गाइस, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज की जो हमारी जर्नी है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 02311 हावड़ा से चलकर कालका को जाने वाली कालका मेल या फिर नेताजी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1712 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। हावड़ा से कालका के बीच में ये ट्रेन टोटल 36 हॉल्ट पे रुकती है और 29 घंटे 5 मिनट का टाइम लेती है। हर रोज़ हावड़ा जंक्शन से ये ट्रेन रात को 9:55 पर रवाना होती है और तीसरे दिन यानी कि 2 दिन के बाद सुबह 3 बजे आप होंगे कालका स्टेशन। तो गाइस, इस ट्रेन का पहले नाम हुआ करता था कालका मेल, लेकिन इस ट्रेन का भी कुछ महीनों पहले नाम चेंज करके नेताजी सुपरफास्ट एक्सप्रेस कर दिया गया। तो आज हम लोग इसी ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं इस ट्रेन को बोर्ड करने वाला हूँ आसनसोल जंक्शन से। इस स्टेशन के बारे में अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो इस स्टेशन का कोड है ASN और ये स्टेशन ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में आता है, यानी कि आसनसोल खुद एक डिवीज़न है। यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स हैं। नॉर्मल डेज में यहाँ पे 210 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और 44 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 44 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। लेकिन अभी यहाँ पे 172 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और 21 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 21 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। इस शहर को, आसनसोल शहर को सिटी ऑफ ब्रदरहुड भी कहते हैं और टॉप 100 रेलवे स्टेशन, मतलब जो बुकिंग में टॉप 100 रेलवे स्टेशन होते हैं उसमें आसनसोल का भी नाम आता है। समथिंग लाइक 91-92 नंबर पे आता है आसनसोल जंक्शन। तो ये थी आसनसोल स्टेशन की जानकारी, अब है ट्रेन को देखने की बारी। गाइस, एक केक लिया है और अमूल कूल लिया है केसर फ्लेवर। ऐसे से काम चलाना पड़ेगा, कुछ और खास मिल नहीं रहे। गाइज, आज मैं स्लीपर क्लास में जर्नी करने वाला हूँ और मेरा कोच नंबर है S7 और सीट नंबर है 27 जो कि अपर बर्थ है। लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज तो करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ब्लॉगर्स को मैनेज करना पड़ता है। चलिए गाइज, अभी तो टाइम हो रहा है 9:41। मैं बहुत पहले रेलवे स्टेशन पर आ चुका था और हमारी ट्रेन आने वाली है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का टाइम है 12:37 पे, यहाँ से रवाना होती है, डिपार्चर लेती है हमारी ट्रेन। तो अभी बहुत टाइम है, स्टेशन पे वेट करेंगे, कुछ खाने के लिए देखेंगे और उसके बाद फिर व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। अजनी के WAP-7 के साथ चलती है नेताजी एक्सप्रेस। ठंडा नहीं है उतना, नहीं दे दो ना कोई भी। ডাক্তারের ব্যবস্থা করা যাবে জানবাজি? হ্যাঁ,
বিএনআর হচ্ছে আপনার 6810828567। হ্যাঁ, আসানসোল থেকে প্রয়াগরাজ। হ্যাঁ, কুমার অভিষেক। হ্যাঁ, M32 ওনার সঙ্গে বাচ্চা আছে। A few moments later. ভাই আমার তরফ থেকে যা করনা চাও। নেই স্যার, বহুত কর দিয়ে আপু, বহুত কর দিয়ে। আরে বাচ্চা আমার ঘর মে ভি হ্যায়, ইয়ে কাম তো সবকো কর। লেকিন হামকো লাগতা থা আপকো উচিত নেই কাচ্চা। বাচ্চা কা বাত হ্যায় না। हम लोग पहुंच चुके हैं धनबाद जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है DHB और ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के धनबाद डिवीज़न में आता है, यानी कि धनबाद खुद एक डिवीज़न है। धनबाद स्टेशन पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म्स हैं और नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 144 ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं और 16 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 16 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मात्र 85 ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं और 9 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 9 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं धनबाद जंक्शन से। ये मतलब एक आपको बताना चाहूँगा कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और मतलब मोस्टली जो कमाई होती है ईस्ट सेंट्रल रेलवे वो धनबाद डिवीज़न से ही होती है। और एक और चीज़ मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि एक बच्चे की तबीयत ख़राब थी, आसनसोल से एक फैमिली चढ़े थे और उन्होंने हेल्प मांगी TT से, पर वो मतलब बहुत अजीब तरीके से बात करने लगे तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने उन्हें रेलवे का हेल्पलाइन नंबर दिया, उस पर कॉल करने के लिए बोला उन्हें, तो वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखते हैं क्या होता, मैं आपको बताऊँगा आगे। यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है नेताजी एक्सप्रेस का, तो चलिए डिपार्चर देखते हैं धनबाद जंक्शन से। फाइनली गाइस उस बच्चे का ट्रीटमेंट हो गया, अभी मैंने आपको दिखाया, डॉक्टर्स वहाँ पे खड़े हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं गाइस वो ग्रीन ड्रेस में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन, यानी कि गोमो। इस स्टेशन का कोड है GMO और ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के धनबाद डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 77 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और 7 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती थी और 7 ट्रेनें टर्मिनेट होती थी। लेकिन अभी यहाँ पे मात्र 55 ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं और 3 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 3 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं गोमो से, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन से। और मैं आपको बता दूं, इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हावड़ा दिल्ली वाया गया मेन लाइन है और आसनसोल गया सेक्शन लाइन है, इसलिए इसको जंक्शन बनाया गया है। मेरे पीछे देख सकते गाइस मालगाड़ी निकल रही है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। यहाँ पे मैंने देखा कि पीछे गार्ड का वो जो बॉक्स होता है वो लेके जा रहे थे, यानी कि यहाँ पे गार्ड भी चेंज होगा और लोको पायलट भी चेंज किए जाएंगे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, उस बच्चे का जो मैंने हेल्पलाइन नंबर दिया था उस पर उस बंदे ने कॉल किया, उसके बाद फिर धनबाद स्टेशन पे डॉक्टर्स आए और आपने देखा ही होगा वीडियो में कि उन्होंने ट्रीटमेंट किया और बच्चा एकदम बिल्कुल चुप हो गया और अच्छा लगा मुझे देख के। लेकिन ये गलत चीज़ है, TT ने हेल्प नहीं की, मुझे हेल्पलाइन नंबर देना पड़ा, ये गलत है। अगर
किसी भी पैसेंजर को अगर प्रॉब्लम होती है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन रेलवे की होती है हेल्प करने की, लेकिन वो भी नहीं किया गया तो बुरा लगा देख के, लेकिन ये भी देख के अच्छा लगा कि उस बच्चे का अच्छे से ट्रीटमेंट कर दिया गया। चलिए डिपार्चर देखते हैं गोमो से। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आने वाले दो स्टेशनों को कवर नहीं करने वाला हूँ, पारसनाथ और हजारीबाग रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 मिनट के हॉल्ट दिए गए हैं हमारी ट्रेन के, यानी कि नेताजी एक्सप्रेस के। गाइस देख सकते हैं वहाँ पे वो है गोमो का लोको शेड। चलिए गाइस नेताजी एक्सप्रेस का वॉशरूम देख लेते हैं कि कितनी साफ सफाई हमें देखने को मिलती है। सामने देख सकते हैं मिरर लगा हुआ है, बेसिन है, गंदा है, नीचे कोई डस्टबिन नहीं है। आइए अब चलते हैं अंदर। सामने मिरर देख सकते हैं गाइस, पूरा गंदा है, नीचे बेसिन ये भी गंदा है, कोई डस्टबिन नहीं दिया गया है। इंडियन स्टाइल टॉयलेट है और फ्रेगनेंस के लिए कोई भी ओडोनिल वगैरह कुछ भी नहीं रखा गया है। देख सकते हैं आप, यही है नेताजी एक्सप्रेस के स्लीपर का वॉशरूम। इससे अच्छा तो बहुत सारी ट्रेनों का था। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं कोडरमा। इस स्टेशन का कोड है KQR। ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के धनबाद डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स हैं। नॉर्मल डेज में यहाँ पे 88 ट्रेन्स आके हॉल्ट करती हैं और 4 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 4 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 65 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं। कोई भी ट्रेनें ऑरिजिनेट नहीं होती हैं ना ही टर्मिनेट होती है कोडरमा से। यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और सिग्नल ऑलरेडी हो चुका है, मतलब ट्रेन हमारी आई तभी सिग्नल ऑरेंज था और ट्रेन रवाना होने के कगार पे है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं, ज़्यादा बिना बात किए हुए चलते हैं कोच के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर। Few moments later. फाइनली रीच आवर डेस्टिनेशन गया जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है GAYA और ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन पर टोटल 9 प्लेटफॉर्म्स है। नॉर्मल डेज में यहाँ पे 127 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं, 31 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 31 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मात्र 110 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और 16 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 16 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। तो आपको अभी आपने सुना भी होगा, न्यूज़पेपर में भी आया था कि गया को इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन जैसा डेकोरेट और रीमॉडलिंग करने का न्यूज़ आपने पढ़ा भी होगा और वही चीज़ अभी होने जा रहा है धीरे धीरे। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे आपसे एक नई जर्नी में एक नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।